वोल्टास का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 25% नीचे गिरा। पीटी इंजीनियरिंग का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में लगभग 60% बढ़ा। मुथूट फाइनेंस का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 4% बढ़ा। मदर्स एंड सुमी सिस्टम्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में 80% नीचे गिरा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 30% नीचे गिरा। मनप्पुरम होम फाइनेंस का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 42.4% नीचे गिरा। कल्पतरु पावर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पे 16% नीचे गिरा। चोला मंडलम फाइनेंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में लगभग 17% बढ़ा। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में लगभग 24% बढ़ा। टेगा इंडस्ट्रीज का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 64.6% नीचे गिरा। रियल इस्टेट कंपनी शोभा का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 57% बढ़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 24% बढ़ा। नजारा टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में 17% नीचे गिरा। एमटार टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 50% बढ़ा। इंडिया सीमेंट्स का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 76% नीचे गिरा। गोदरेज इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 183 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 3,515 करोड़ रुपए रहा। अशोक लीलैंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में 6 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 5,535 करोड़ रुपए रहा।